भिंड पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर लगातार कार्यवाही जारी है। भिंड सीएसपी निशा रेड्डी और देहात थाना प्रभारी विनोद सिंह कुशवाहा ने प्रेस वार्ता में बताया कि देहात थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि विरधनपुरा की पुलिया के पास से 3 व्यक्ति बोरे में भरकर गांजे की सप्लाई करने जा रहे हैं। तभी देहात थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर तीनों व्यक्तियों को पकड़ा, जिसमें तीनों तस्करों से अलग अलग मात्रा में कुल 25 किलो गांजा लगभग 2.5 लाख रुपए का जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़ा है, कहां से, कैसे, क्या कार्रवाई हुई? आज जो गांजा पकड़ा है उसमें 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, तीनों लोगों से गांजे जब्त हुआ है, 25 किलो 300 ग्राम के करीब। कहाँ के हैं, कहाँ से आए थे? इसमें दो तो मैडम, इसमें कितने लोग और होने की संभावना है? इस बारे में विवेचना की जा रही है कि ये एक तो कहाँ से लेके आ रहे थे और कहाँ पे लेके जा रहे थे, इस संबंध में विवेचना की जा रही है, सर्च की जाएगी आगे। अपराधियों पर पूर्व में भी कोई प्रकरण दर्ज है? अपराधियों पर कोई पूर्व में प्रकरण दर्ज है? अभी तक तो इसका जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी इस संबंध में भी वो जानकारी एकत्रित की जा रही है, पूर्व में भी ये अभी तक जानकारी नहीं आ रही। किसने सेलर पकड़े, क्या बेचने वाले ही खाली जो खरीद रहे थे वो भी पकड़े कोई आरोपी? नहीं, ये किसी को सप्लाई कर रहे थे, ये सप्लाई करने जा रहे थे और इस संबंध में पूरी गंभीरता के साथ बारीकी के साथ। भिंड से अमरकांत सिंह चौहान की रिपोर्ट। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।